हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइडर यूपी 47 में। तो दोस्तों, आज हम आप सबको दिखाने वाले हैं संडे मार्केट, जो हफ्ते में एक बार लगती है बड़े पुरवा में। तो वहां पर चलकर हम दिखाएंगे आपको कि सब्जियों का रेट क्या है और कौन कौन सी चीज़ें किस रेट में मिलती हैं। तो चलते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर हमारी आवाज़ न सुनाई दे, लेकिन हम बड़े पुरवा मार्केट में पहुँच गए हैं। अब आज हम यहाँ पर चलकर देखते हैं कि मतलब सब्जियों का रेट क्या है, जो मार्केट में ठेले पर बेचते हैं उनके रेट से और इनके रेट में क्या अंतर है, क्या अंतर नहीं है, तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मुझे पैसे लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास आज पैसे भी नहीं है। तो चलकर पैसा पहले निकाल लें, उसके बाद में फिर आते हैं मार्केट में। ये ग्राहक सेवा केंद्र है बड़े पुरवा में, हमारे दोस्त हैं। यहाँ से आप पैसा मतलब फिंगर से भी ले सकते हैं, एटीएम से भी ले सकते हैं, जिसे चाहे उससे मिल सकता है। भैया पैसा मिल जाएगा यार, हाँ 500 रुपया ले दो, लगाओगे। ये देखिए, यहाँ पर फिंगर से भी पैसा मिलेगा आपको। चलो हम भी ले लें। और ये बड़े पुरवा मार्केट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी जो आपको ज़रूरत पड़े। यहाँ पर मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं, 083। ये देख सकते हैं चारों तरफ हमारे, और ये गांधी स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी है यहाँ तक। यहाँ पर हाई स्कूल तक मतलब पढ़ाई भी होती है। तो बस यहाँ से काम हो जाए मेरा, उसके बाद में चलते हैं बाज़ार में। हे भैया, तोरे क्या कौन कौन सब्जी है यार? टमाटर और भिंडी, परवल, मिर्चा, लौकी, बोरा गोभी, पत्ता गोभी। टमाटर का हिसाब दियो, 50 रुपया किलो। अरे इतना महंगा? और भिंडी? भिंडी 30 रुपया। परवल? परवल 30 रुपया किलो। और मिर्ची? 15 रुपया। गोभी 60 रुपया किलो, पत्ता गोभी 30 रुपया किलो। बहुत महंगा देते यार भाई। बताओ, जब सब्जी का ये हाल है तो आदमी कैसे खरीदेगा और कैसे खाएगा? भिंडी 1 किलो, करेला 1 किलो। भैया आधा किलो टमाटर दो, भिंडिया ठीक है ना? भिंडिया तो टाइट लगा था यार, है? और 1 किलो भिंडी दे दियो। परवल बढ़िया है, कोई दिक्कत? और ये लौकी भी है, 1 किलो की। चलो सारा चीज हमारे वजन करके रखो माई थे, ठीक है भैया? सारा सब्जी वजन करके रखो हमारे, अभी थोड़ी देर में और देख ले आगे। इधर बोरा 10 रुपया का, 20 रुपया का बोरा का हिसाब दे भाई। सकुतिया हंसना यार। भैया करेला का हिसाब है? भैया करेला, करेला और धनिया, धनिया धनिया गोभी का हिसाब है? बहुत महंगा है यार। चलो ठीक है, बोरा बढ़िया जान के मैं हमें 1/2 किलो दियो। बढ़िया बोरा देख के दियो 1/2 किलो है। आलू का हिसाब? आलू आलू
लंबरी बताओ यार। अरे तो सही लगा लो भैया, अरे तो सही लगा लो भाई। पूछन पूछन पूछन, 5 किलो चाहिए, 5 किलो तोलो तोलो। तब तक झोला ले आई देख ना, हम तोरे पास झाल ना है, झलवा हो तुम्हारे पूरा सामान वाजी ना, काहे 10 रुपया खर्चा करी यार। हाँ ठीक है, और देखिए बाहर क्या मिले थे ले आई, आज वीडियो बनाए थे बाजार कैसे भैया। मिर्चा का हिसाब दियो, मिर्ची 15 रुपया बाबा। और करेला, करेला 30 रुपये, करेला सही है, बढ़िया भैया एक नंबर करेला। तो आधा किलो करेला दे दो और एक पाव मिर्ची दे दो, ठीक। और धनिया, धनिया धनिया 15-50। अच्छा भैया लहसुन का हिसाब, 60 रुपया महंगा दे तो यार, कुछ सस्ता करो भाई। चलो ठीक है, और लहसुन ले, लहसुन है मेरे पास भाई, सही तोले यार भाई, कैमरा में यहाँ कैद हो तो। ये अब निकला, देख भाई हरी पत्ती देख। हाँ हाँ ठीक, क्या रुपया दी भाई? 40, 60, 60, 90 रुपया भैया। 90 रुपया ठीक है। तो यार आज के बाजार में सब्जी काफ़ी महंगा था, यानी हर बाजार से ज़्यादा महंगा था। तो भैया लेना तो ही है, अगर लेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, चाहे महंगा मिले या सस्ता मिले, लेकिन हर बाजार से आज महंगा था। तो यहाँ पर आलू लेना था, आलू ले ले, उसके बाद में समझ लीजिए हमारा काम खत्म हो गया यहाँ से, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं अगर कुछ और मिल जाएगा अच्छी चीज़ तो वो भी ले लेते हैं, नहीं तो कोई और नहीं लेना है उनका। हम भैया रख टमाटर, हम तुम्हारे वीडियो भरपूर बनाए, टेंशन ना लियो, तू घुमावा ऐसा एकदम पूरा बना है। बोलो 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 यार, हो गए जा सकते हैं। तो आप सब आप देख सकते हैं कि मतलब हमने गोंदी में पूरा सब्जी ले लिया है, और अब चल रहे हैं घर की तरफ। बाकी जो कुछ जानकारी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ आगे वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ ज़्यादा हो रही है इसलिए मतलब बात समझ में नहीं आती हमारे आप सबके। तो अभी आगे हम कुछ बात करेंगे आपसे। यार आप लोगों ने बाज़ार में देखा जो कुछ भी था और रेट क्या थे सब्जियों के, वो सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई। काफ़ी महंगाई हो चुकी है, और इस महंगाई में आदमी यार क्या करे और कैसे खाए कैसे जिए, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज़ मुहैया करा देता है कैसे भी करके या किसी भी सूरत में, यानी अपने बंदों को भूखा नहीं रखता है। बस दोस्तों वीडियो हमारी यहीं तक थी, और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए